का बेटा है और शेर का बेटा को पता है, लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अगर शेर का बेटा बाहर निकल गया ना तो सबको चीड़ फाड़ देगा। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक को, आम जनता को उंगली मत कर। अगर जाग गया ना, लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको पता होगा कि बिहार में कुछ पुलिस वालों के द्वारा एक आर्मी के जवान को इस तरह से मारा गया जैसे कि हम लोग देश में आतंकवादियों को और कहीं ना कहीं अपराधियों को मारते हैं। लेकिन पता है वो आर्मी का जवान एक थप्पड़ नहीं जरा, क्योंकि उसने एक वर्दी का सम्मान किया। लेकिन वही बिहार पुलिस के जवानों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो आर्मी का जवान है या फिर कोई आम नागरिक है। अगर आम नागरिक भी होता ना तो मैं कहता हूँ कि नहीं मारना चाहिए। लेकिन सोचिए, एक आर्मी के जवान को इस तरह मारा गया जैसा कि आतंकवादी है। उस वीडियो को आपने देखा होगा, हजारों लाखों करोड़ों आदमी ने देखा होगा। वह वीडियो बनाने वाले शख्स हमारे साथ है, चश्मदीद का है तो यही है जिन्होंने वीडियो को बनाया और वीडियो को बनाकर वायरल किया। इनसे हम जानेंगे क्या कि सच्चाई क्या है, क्योंकि यह सब कुछ जानते हैं जो कि शायद कोई नहीं जानता। इस वीडियो को इन्होंने ही बनाया था। सबसे पहले भैया, यहाँ पर तमाम लोग हैं, बहुत दिनों से आप लोग हैं, अब तक एक सप्ताह होने वाला है, अब तक रिहाई नहीं हुआ, कब तक रिहाई होगा लगता है आपको? एक सप्ताह इसलिए पूरा होने वाला है क्योंकि हमारे आर्मी जवान है, किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक शेर का बेटा है और शेर का बेटा को पता है, लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अगर शेर का बेटा बाहर निकल गया ना तो सबको चीर फाड़ देगा। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक को, आम जनता को उंगली मत कर, अगर जाग गया ना तो चीर फाड़ देगा। आपको पता है भैया, रात के 12 बजे मैं मोबाइल चला रहा था फेसबुक, जब वो वीडियो आया ना तो रोंगटा खड़ा हो गया। हजारों चैनल वाले आए होंगे, मुझे नहीं पता किसके अंदर क्या है, लेकिन मेरा मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मन किया कि अगर होते तो पता नहीं क्या करते हम। आपको वहाँ पे गुस्सा आ रहा था कि नहीं आ रहा? रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से हमारे आर्मी जवान को दौड़ा के मारा गया था ना, उस समय हमें लग रहा है कि तिरंगा झंडा गिर रहा है और मैं उसे जो है अब पकड़ नहीं पा रहा हूँ और तिरंगा झंडा गिर चुका है। अब पता है क्या करना है? आप सबको मिलकर उस तिरंगा झंडे को फिर से उठाना है और लहराना है। अच्छा, एक सप्ताह हो गया, अगर चुनाव का समय होता, विधानसभा चुनाव होता, तो नेता लोग आया होता? कोई नेता आया है कि नहीं अभी तक विधानसभा? यहाँ पे समाज सेवा नहीं रहते, यहाँ पे पूर्व सैनिक लोग नहीं रहते, यहाँ मैं नहीं रहता, यहाँ पे आपको बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग दिखाई देते हैं। ये होता सर, क्या कहिएगा उन दलाल नेताओं को जो कि नहीं पहुँच पा रहे? दलाल नाम नहीं लेना चाहेंगे, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी नेतागण, कोई आर्मी जवान मरता है, अब बड़का बड़का फुलवा लेके, फूल मालवा लेके जाता है लोग, आ चढ़ा देता है लोग, आ ग्लिसरीन हैंगर लगा रहता, आग पोछता लोग कुछ लग गया और रोने लगता है लोग, समझे? ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे, अगर आपके खून में देशभक्ति है, अगर आप समझते हैं कि आप भारत के लाल हैं, तो आइए ना यहाँ भैया, बैठिए, कुछ मत बोलिएगा, खाली फोटो खींच के डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पे, हैशटैग रिलीज राधा मोहन, बस इतना कीजिए नेता लोग। अगर उतना नहीं होता है तो घर पे माँ बहन सब है, चूड़ी पहन के बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चूड़ी पहनने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग शेर को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा भैया, एक आतंकवादी के लिए, आपको पता होगा या पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा दुनिया जानता है कि एक आतंकवादी के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया था, हेलीकॉप्टर से ले गया गया था, स्पेशल स्पाइट जेट से ले गया गया था, लेकिन एक जवान के लिए कहा जा रहा है कि संडे है, आज हमारे अधिकारी नहीं है, हमारे यह नहीं है, बहाना करना कितना सही है? पैसा, पैसा, पैसा बोलता है। इस परिवार के पास, राधा मोहन के परिवार के पास 1 लाख रुपया नहीं था, अगर 1 लाख रुपया उसी दिन थाने में मुंह पर मारे होते ना तो आज ये मामला नहीं होता। सब खेल पैसा का है भैया, वहाँ पे पैसा था, उन्होंने मस्त ट्रांजैक्शन स्विस बैंक से आया होगा, बिहार के बैंक, भारत के बैंक से नहीं आया होगा, स्विस बैंक से आया होगा, जिसका कोई डेटा नहीं रहता है, ट्रांसफर होने के बाद डेटा इरीज हो जाता है, स्विस बैंक से आया होगा, तभी तो हेलीकॉप्टर बुक हुआ होगा, तभी तो वकीलों को खरीदा हो गया होगा, तभी तो जजों को खरीदा गया होगा। सर, सेना में लोग कमाने जाते हैं कि अपने सेवा भाव से आते हैं कि हम देशभक्ति करना है? सेना में जवान मरने के लिए और मारने के लिए, बिहार पुलिस में रखे, पूरे बिहार पुलिस को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिहार पुलिस में ज्यादातर लोग नौकरी करने क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा, हाँ, नौकरी रहेगा जब तक रहेंगे तब तक हम नौकरी करते रहेंगे, उपरिवार कमा लेंगे, उपरिवार कमा लेंगे। सर, इन लोगों का 30-40-50 हजार रहता है, लेकिन आप घर पे जाइए ना, देखिएगा कि महल जैसा घर है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उन पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया गया, शायद मुझे नहीं पता किया गया कि नहीं, लेकिन लाइन हासिल किया है, ठीक है, लेकिन उन लोगों के साथ करना क्या चाहिए आप मुझे बताएं, आप थे वहाँ देख रहे थे,
उन लोगों को क्या बर्खास्त कर देने से, लाइन हाजिर कर देने से, लाइन हाजिर कर देने से सम्मान मिल जाएगा उस सेना के जवान को? इसका जवाब आप उस बहन से पूछिए, वो कहेगी कि आर्मी जवान को जिस तरह मारा गया है उसी तरह उस पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा के मारा जाए और उसको बर्खास्त नहीं, उसका जॉब छीन लिया जाए, क्योंकि जब तक वो जॉब में रहेगा ऐसे ही लोगों को मारते रहेगा। देखिए, उस माँ के दर्द को देखने के बाद किसी का भी आंसू नहीं सूखेगा। उस माँ रो रही है, जब से हम लोग आए हुए हैं उस माँ को ही देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, रो रही है वह माँ। बस आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा बिहार के तमाम लोगों से, नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा निकाले हुए थे, आपको देख रहे ना, सबसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके खून में देशभक्ति दौड़ रही है और वीडियो देख के अगर लगता है कि आपके अंदर देशभक्ति है तो वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि ऊपर तक जाए और आप लोग इस कैंपेन में शामिल हो जाइए। #ReleaseRadhaMohan अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो फेसबुक सबके पास है, आप लोग #ReleaseRadhaMohan #hashtag यूज कीजिए और आप पोस्ट कीजिए। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत। देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या फायदा है नहीं फायदा है, आप बस इतना करा दीजिए मुझे, इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा कहिएगा तो, लेकिन उस सेना के जवान के सम्मान को लौटाने का प्रयास कीजिए। लौटा तो नहीं सकते हैं क्योंकि जो कर दिया गया है ना उसको सम्मान अब दोबारा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ सम्मान तब होगा जब उन पुलिस वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। पूरे बिहार पुलिस को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ऐसे ऐसे बिहार पुलिस में लोग हैं, ये लोग भी हैं, दिखाइए, ये लोग भी हैं, वहाँ भी बिहार पुलिस का कर्मी है, तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ बिहार पुलिस के तमाम लोग होंगे, इन लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि मशक्कत कर रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए मैं अच्छा कहूँगा। बिहार पुलिस की वजह से ही मैं आज़ाद घूम पाता हूँ, पूरे लोग घूम पाते हैं। अगर रात की बात करें तो सेना हमारे पूरे देश की संरक्षण देता है, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने उस जवान को मारा है उन लोगों के साथ वैसा ही करना चाहिए, बीच बाजार में ला करके मारा जाए, तब जाके हो सकता है कि उस सेना के जवान का सम्मान वापस आ सके। मैं गलत कह रहा हूँ भैया? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। अब मार दिया गया, अगर उनको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा, सेना का सम्मान लौटेगा? उचित कार्रवाई होना चाहिए ना, लौटेगा सम्मान, उचित कार्रवाई होना चाहिए। नहीं नहीं, की मार रो रही है, तरफ रही है, सम्मान चला गया, वो कहाँ से लौटेगा? लौटेगा नहीं, लौटेगा। देखिए, इसीलिए मैं गुस्सा इतना था कि मेरे को आना पड़ा, मैं नहीं जाता हूँ भीड़ में, यहाँ हजारों लोग, हजारों चैनल वाले, नहीं जाता हूँ मैं अकेले जाता हूँ, लेकिन आना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि जा करके थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो हो सकता है वह जवान छूट जाए। उस जवान के सम्मान में हम लोग आए हुए थे, मुझे पता चला था कि यार छोड़ दिया जाएगा, मैं उस जवान को माला पहनाने आया था, उस जवान से बात करने आया था, उस जवान के सम्मान में आया था। हालांकि वीडियो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों से आग्रह है, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलाइए कि RadhaMohan को रिहा किया जाए। बस इतना ही चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा निकालने से ज़्यादा अच्छा है कि जवान को एक बार रिहा करा दीजिए, आपको बहुत सकता है हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आखिर में जय हिंद।